नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। जल्द ही शारदीय नवरात्रि का आगाज होने वाला है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, जिससे माता रानी की खास कृपा मिल सकती है। ये पर्व माता दुर्गा की उपासना का समय होता है। भक्त माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं। अगर आप नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो माता दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आती है। इसके लिए लोकल 18 ने देवघर के ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुद्गल से खास बातचीत की। उन्होंने क्या जानकारी दी है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि के दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर की रात 12:18 पर शुरू होगी। इसका समापन 4 अक्टूबर को रात के 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर को है। उस दिन ही कलश स्थापना की जाएगी। अक्टूबर को घटस्थापना का शुभ मुहूर्त 6:15 से लेकर 7:02 तक है। दूसरा मुहूर्त दिन में 11:46 से लेकर 12:33 तक है। इस बार नवरात्रि कलश स्थापना के लिए 2 शुभ समय हैं। आप अपनी सुविधानुसार इनमें से किसी भी समय में घटस्थापना कर सकते हैं। अब जानते हैं नवरात्रि पर क्या क्या खास उपाय करने चाहिए, जिससे माता रानी की खास कृपा मिल सके। नवरात्रि के पहले दिन अपने घर में कलश स्थापित करना जरूरी माना जाता है। कलश का मतलब है समृद्धि और धन का प्रतीक। इसे गंगाजल से भरकर उसमें अक्षत और सुपारी डालकर घर के पूजा स्थल पर रखें। कलश स्थापना से देवी दुर्गा का आगमन आपके घर में होता है और इससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कलश स्थापना के बाद व्रत का संकल्प लेते हुए अखंड ज्योत जलाना चाहिए। अखंड ज्योत को लगातार जलाए रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। ये एक पुरानी परंपरा है, जो माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। इस ज्योत से घरवाले सुख में रहते हैं। माता दुर्गा को हरसिंगार का पौधा बेहद प्रिय होता है। इस पौधे को नवरात्रि के पहले दिन अपने बगीचे में लगाना चाहिए। हरसिंगार की सुगंध और सुंदरता आपके घर में पॉजिटिविटी लाएगी। ये न केवल देवी को प्रसन्न करती है, बल्कि आपके घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनाए रखती है। अपने घर के बगीचे में दक्षिण और पश्चिम दिशा में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तुलसी को पवित्र माना जाता है और ये माता दुर्गा के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करती है। ये उपाय आपके परिवार में धन धान्य और समृद्धि लाने में मदद कर सकता है। तुलसी का पौधा आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। दुर्गा को गुलहड़ का फूल सबसे ज्यादा पसंद होता है। नवरात्रि के पहले दिन से ही इस पुष्प को माता को अर्पित करना चाहिए। गुलहड़ का फूल न केवल माता को प्रसन्न करता है, बल्कि भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने में भी मदद करता है। इन उपायों को अपनाकर आपको देवी दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि आपके लिए एक खास अवसर है, जब आप अपनी भक्ति और श्रद्धा से माँ दुर्गा को खुश कर सकते हैं। यदि आप इन उपायों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे लोकल 18।